दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इन सबको लगता है कि जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट करेंगे, इलन मस्क कॉल करके इन्हें टेस्ला कंपनी का सीईओ बना देगा। लेकिन हकीकत बात ये है कि इनका हाल गोलगप्पे वाली रेडी वाले से भी बुरा होने वाला है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब कॉलेज से 99% मार्क्स लेकर इंजीनियरिंग करने वाले सब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, हैदर टीवी इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत फ़नी वीडियो है। इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे किए जाते हैं कि आप देख के चकरा जाएंगे, आप देख के पागल हो जाएंगे कि ये लोग कैसे करते कैसे हैं। मतलब ऐसे दिमाग, इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिक को, बड़े बड़े साइंटिस्टों को फेल कर दिया है अपने दिमाग के आगे। और वाकई में काबिल तारीफ है कि इनकी अक्ल को दाद देना चाहिए कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया है। तो आप लोग भी देखिए, इंजॉय करिए इस वीडियो के ज़रिए से, हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या बोलते हैं अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी किया करिए। और इस तरह की तमाम वीडियो, फ़नी वीडियो और ऐतिहासिक वीडियो जो भी आप देखना चाहें, मेरे चैनल पर आपको तमाम मसालेदार वीडियो मिलेगी। तो चलिए पहले बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इन सबको लगता है कि जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट करेंगे, इलन मस्क कॉल करके इन्हें टेस्ला कंपनी का सीईओ बना देगा। लेकिन हकीकत बात ये है कि इनका हाल गोलगप्पे वाली रेडी वाले से भी बुरा होने वाला है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब कॉलेज से 99% मार्क्स लेकर इंजीनियरिंग करने वाले सबसे बेरोजगार मिस्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब आए दिन सोशल मीडिया पर कराची की वीडियोस देखते होंगे जिनमें चोर राह चलते हुए लोगों को लूट कर भाग जाते हैं। वेल, इस क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस तो कोई काम नहीं कर पा रही, लेकिन अपने इंजीनियर्स ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। ये जो बंदा आप दिख रहे हैं, इसने हालात से तंग आकर पॉकेट लॉक इन्वेंट किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके पैसे इस तरह सेव हो जाएंगे जैसे फेडरल रिजर्व में गोल्ड सेफ है। हाँ, अलबत्ता अगर चोर रोमांटिक हो गया तो कपड़े फाड़कर इज्जत और पैसे दोनों चीजें लूट सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये लोग अगर वॉशरूम में घुस जाएं तो दो दो साल बाहर नहीं निकलते। वे लोगों की इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए एक मिस्त्री ने ऐसे लोटों के लिए ओपन माइंडेड टॉयलेट्स बना दिए हैं। अच्छी बात यह है कि अब वो लोग जो बाथरूम में जिंदगी स्पेंड करने के लिए जाते हैं, वो न सिर्फ जंगल पानी करेंगे बल्कि खूबसूरत नजारों को भी इंजॉय कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये ओपन माइंडेड बाथरूम्स बड़े ही लग्जरी भी हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कोई ऐन गैन करते हुए देख ना ले। दोस्तों, आप में से शायद कई लोग जानते होंगे कि हुआवे कंपनी ने कुछ हफ्ते पहले अपना पहला ट्रिपल फ्लिप मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाया है। इस मोबाइल का नाम हुआवे मेड XT है। इस मोबाइल को हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक अल्ट्रा प्रो इंजीनियर ने इसका भी हल निकाल लिया है। वेलिस आइंस्टाइन के पोते ने दरवाजों के कब्जे फिट करके आम मोबाइलों को ही फोल्डिंग फोन में कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल, जो भी हो, जेब में पैसे होना हो, स्वैग लेवल कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आजकल लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल की चार्जिंग है। कभी बिजली चली जाती है तो कभी चार्जिंग केबल इतनी छोटी हो जाती है कि मोबाइल को स्विच के साथ टांगना पड़ता है। लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास इस प्रॉब्लम का भी हल मौजूद है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक भाई ने चार्जर की केबल को काट कूट के इसमें बिजली की वायर्स ऐड कर दी ताकि मोबाइल को पास रख के सुकून से सोया जा सके। दरअसल यही तो वजह थी कि जादू इस गोले को छोड़कर चला गया था, क्योंकि यहां के लोगों को उसकी एलियन पावर्स की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के एडवांस शावर्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं। इन शावर्स में आप सिर्फ एक बटन को दबाकर अपनी मर्जी के शावर को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक मिस्त्री को जब इसकी मजदूरी सही से नहीं मिली तो इसने टॉयलेट को छत पर चिपका दिया और इसके अंदर शावर को फिट कर दिया। वेल, आवाम तो पहले ही नहाने से चाहती है, ऊपर से इतना कैजुअल शावर हो तो साफ सुथरा रहने वाला बंदा भी बाल्टी में पानी डालकर नहा लेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब इंजीनियरिंग मार्वल हैं, तो एक पाकिस्तानी मिस्त्री की ये बिल्डिंग देखकर आपका इंजीनियरिंग से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि जो इमारत बाहर के मुल्कों को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, पाकिस्तानी मिस्त्री उसे 60,000 रुपए में ही बना देंगे। यकीन नहीं होता कि इस मुल्क पर इतना कर्जा चढ़ कैसे गया है। ये आवाम तो दुनिया को बेच खाए और उन्हें पता तक ना चले। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में 99.9% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने में मौत पड़ती है। वेल, अगर अम्मी जूते मार मार कर स्कूल भेज भी दे तो छुट्टी के टाइम दिल करता है किसी का बेड पर लेट जाया जाए। स्टूडेंट्स की इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम को देखते हुए इस चिंग पोंग इंजीनियर ने ऐसा बेड इन्वेंट किया है जो न सिर्फ आपको लेटे लेटे ही स्कूल छोड़ाएगा बल्कि छुट्टी होते ही इस पर लम लेट होकर आराम भी किया जा सकता है। और तो और, गोलगप्पे और बर्गर खाने के लिए भी आपको बेड से उठकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे एक स्विच बोर्ड है, लेकिन भाई ये कोई आम स्विच बोर्ड नहीं है बल्कि सीक्रेट दराज है। मजे की बात ये है कि मिस्त्री ने इस दराज का लॉक भी बड़ा ही कैजुअल लगाया है, इसीलिए किसी को शक भी नहीं होगा कि ये आखिर चीज क्या है। फिर इस जीनियस इंजीनियर के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि जब इंजीनियर्स फारग हों और इन्हें कोई जॉब ना मिले तो वो क्या करते हैं? वेल, ये लोग एलेक्स भट्टी की तरह बाइक के जेंडर को ही चेंज कर देते हैं। इस वीडियो में भी एक इंजीनियर ने बाइक को ऐसे चेंज कर दिया है कि पता ही नहीं चल रहा कि बाइक ही है, शी है या फिर मी है, और इसे आखिर चलाना कैसे है। दोस्तों 2024 की गर्मियां तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे फेमस शैम्पू इंजीनियरिंग कंपनी ने 2026 की गर्मियों को बीट करने के लिए ये एडवांस पंखे लॉन्च किए हैं। ये पंखे बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं और एक ही सेट से पूरा खानदान सैराब हो सकता है। वेल, आप सबको तो पता नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की बिजलियों के हालात चल रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान ने ही इसका एडवांस ऑर्डर कर देना है। दोस्तों अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं तो काइंडली इनका फ्रिज खोलने की कोशिश कभी नहीं करिएगा, वरना आपके साथ भी ये सीन हो सकता है। बंदा ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोले तो पता चले कि आगे मुन्ने के पापा ऐन गैन कर रहे हैं। सो बी अवेयर, क्योंकि इंजीनियर्स कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को हर मौके पर नई पैंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तेजस्वी भाई ने पैंट के डिजाइन को चेंज करने की नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली है। आपको जिस भी नए फंक्शन पर जाना हो तो बस एक नई तस्वीर निकाल लें और इस तलिस्मी जेब में इंस्टॉल कर दें। इसके बाद आप 150-200 फंक्शन निपटाने के लिए रेडी टू गो हो जाएंगे। दोस्तों अगर मिस्त्री लोग किसी चीज का ठेका ले लेते हैं और इस पर जल्दी से काम कर रहे होते हैं तो इनके पास सिगरेट पीने का भी टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए इस डूडू ने सिगरेट होल्डिंग डिवाइस इन्वेंट की है, ताकि मिस्त्रियों को सुट्टे मारने में प्रॉब्लम ना हो। ये डिवाइस बिल्कुल इको फ्रेंडली है और किसी भी मिस्त्री की बूथी पर फिट आ सकती है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन लोगों का फ्यूचर है जो 14 जमाते इंजीनियरिंग पढ़ते रहते हैं और फिर आगे जाकर चाइना में डॉक्टर की डिग्री करने के लिए चले जाते हैं। इन बेचारों को सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता कि ये डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं। दोस्तों अगर सिलाई मशीन की बात करें तो इसे चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी एफर्ट लगाई जाए तो कपड़ों को सिया भी जा सकता है। लेकिन कुर्बान जाए इस छपरी इंजीनियर पर, इसने पाकिस्तान की औरतों को आसानी प्रोवाइड करने के लिए ये धमाकेदार सिलाई मशीन तैयार की है। इस मशीन के साथ ठकठकी का इंजन अटैच किया गया है, ताकि पापा की परियों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे तो ये आइडिया बहुत ही जीनियस है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस मशीन को चलाने के लिए एक व्हील ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी, और डीजल तो वैसे ही पाकिस्तान में फ्री का मिल रहा है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेल, बात यहाँ तक आन पहुंची है कि अब इंजीनियर भाइयों ने पार्ट टाइम नाइयों का काम भी शुरू कर दिया है। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक मिस्त्री भाई कंक्रीट कटर से दाढ़ी मूछें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो मिस्त्री और कस्टमर दोनों की ही महंगाई से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जानी है। दोस्तों नॉर्मली अगर किसी को चाय का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इसे एक ढाबे या कम से कम एक रेड़ी की तो जरूरत पड़ती ही है, लेकिन इस जीनियस इंजीनियर ने अपने मोटरसाइकिल को ही स्टारबक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ चाय लेने के लिए QR कोड स्कैन करके पेमेंट करनी पड़ती है और अंदर से चाय निकलना शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कप को रखने के लिए टेबल की सहूलत भी मौजूद है। वेल, ये इंजीनियर मार्वल देखकर तो मुझे इलन मस्क पर तरस आ रहा है। वैसे ही बेचारा मार्स पर जाने के लिए अरबों डॉलर्स वेस्ट कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान के लोगों को देख लेता तो स्पेस में जाकर एलियंस ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। तो दोस्तों ये जो माफ़ करेगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी, आवाज़ इसलिए बैठी है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एकदम फनी वीडियो थी। और सोचिए समझिए कि ये वीडियो बनी कैसे होगी, कितना दिमाग लगाया होगा और कहाँ से इतना दिमाग ये लोग लाए होंगे इस तरह की वीडियो बनाने में। और वाकई में काबिल तारीफ़ है, वैसे तो हंसी की बात है लेकिन काबिल तारीफ़ है इस तरह का दिमाग लगाना, इस तरह की वीडियो बनाना, जितना हो सके मतलब काबिल तारीफ़, जितना तारीफ़ करें उतनी कम है। शुरू उठा इन लोगों को, अपने इंडिया पाकिस्तान के लोगों को। और वाकई में हंसते हंसते आदमी लोट पोट हो जाए और सोचने मजबूर हो जाए कि किस तरह से ये उन्होंने बनाया होगा और कैसे दिमाग लगाया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर करिएगा, और इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी लगा अगर वीडियो तो लाइक भी कर दिया करिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।